26/11 हमले की गवाही के दौरान आतंकी हेडली का बड़ा खुलासा, लश्कर के निशाने पर थे, बाल चाकरे शिवसेना भवन की रैकी की थी। देश विरोधी नारे लगाने के खिलाफ जेएनयू में प्रोटेस्ट, तो प्रेस क्लब में अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी पर देशद्रोह का मुकदमा। सैंतीस घंटे बाद पानीपत में मिली गाजियाबाद की लापता दीप्ति, बेटी के घर पहुंचने पर परिवार में खुशी, सूत्रों के मुताबिक मेडिकल टेस्ट कराने से किया इनकार। दीप्ति मामले में पुलिस का दावा, अपनी मर्जी से गई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तलाश में लगे थे 250 पुलिस वाले, सीएम के नोटिस में था मामला। थोड़ी देर में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पेश करेंगे मौजूदा सरकार का अंतिम बजट, बुंदेलखंड के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। रायबरेली में सोनिया गांधी ने लगाया जनता दरबार, चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। 6000 जवानों के पहरे में धार की भोजशाला, हवन पूजन के बाद निकली शोभा यात्रा, दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की इजाजत, ड्रोन से निगरानी। अमर शहीद हनुमान थप्पा के अंतिम दर्शन के लिए हुबली में उमड़ा जनसैलाब, पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार।